everyone, welcome back to my channel Animal Duniya, जिसमें मैं आपको animals के बारे में interesting, wonderful और unknown facts बताता हूँ। आज का जो हमारा topic है, यानी उसमें जो animal है, वो beach पे रहता है। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि beach पे तो कई जीव रहते हैं, तो मैं आपको एक और clue दे देता हूँ। वो जानवर उड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसका टाइटल है 10 fantastic facts about seagulls. Fact number 1. हम इंसान 70, 80 या 90 तक जीते हैं, लेकिन जो सीगल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 साल जीते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात सीगल्स के बारे में ये है कि उनकी टोटल 50 स्पीशीज पाई जाती है। ये बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दूसरे जीव हैं जिनके 100 या 1000 स्पीशीज पाए जाते हैं। नंबर 2, ज्यादातर जो इंसान होते हैं वो डार्क या लाइट कलर के होते हैं, और हमारे कई रंग पाए जाते हैं। और वैसे ही जानवरों में से अगर हम सीगल्स को ले तो उनके भी कई रंग पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन सीगल पाया जाता है वो होता है व्हाइट फेदर से ढका हुआ, और उसकी चोंच येलो कलर की होती है, जो थोड़े से हुक्ड शेप की होती है, और उसके जो पांव होते हैं वो किसी बतख की फीट की तरह दिखते हैं, लेकिन उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। नंबर 3, जो सीगल्स होते हैं उनका जो विंग टिप होता है वो जनरली ब्लैक होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे सीगल्स को भी देखा गया है जिनका जो विंग टिप है वो ग्रे या फिर स्लाइट व्हाइट कलर का होता है। और हाँ, जो सीगल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम इंसान सॉल्ट वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई जीव हैं जो कि सॉल्ट वाटर को ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो रेयर है। सीगल्स भी उन्हीं में से ही एक है। सीगल्स सॉल्ट वाटर को ड्रिंक करते हैं। बाकी जानवरों की तरह उनके पास भी स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनकी मदद से वो सॉल्ट वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं। हम क्या खाते हैं? हम मीट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हम लगभग हर चीज को कंज्यूम करते हैं। उसी तरह जो सीगल्स होते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसका ये मतलब है कि वो छोटे अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल रोडेंट्स, स्मॉल एम्फीबियंस, यहाँ तक कि रेप्टाइल्स को भी खाते हैं, और साथ ही साथ वो फ्रूट्स को भी कंज्यूम करते हैं, और इंसानों के द्वारा छोड़ा गया जो खाना बीच पे पड़ा हुआ होता है वो उसे भी खाते हैं। हम इंसान बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। सिर्फ हम इंसान ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इंटेलिजेंट है, जैसे कि एलिफेंट्स, मंकीज, गोरिल्लास, चिंपैंजीज, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि इंटेलिजेंट है, और उन्हीं इंटेलिजेंसी में आते हैं सीगल। हाँ, सीगल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड्स होता है, और खाना ढूंढने के लिए वो किसी आइंस्टाइन जैसे बन जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, वो खाना ढूंढने के लिए इंसानों के द्वारा छोड़ा गया जो ब्रेड क्रम होता है उसे पानी में फेंक देता है, जिससे मछली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो भी उनका शिकार बन जाता है। और साथ ही साथ बारिश आने पर जो आवाज आती है वो उसकी नकल करता है, जिससे अर्थवर्म्स को लगता है कि बारिश आ गई और वो जमीन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो भी उसका शिकार बन जाता है। सच में सीगल्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। सेवन, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि चोरी करना बुरी बात है, और ये हर इंसान को सिखाया गया है। कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं तो कुछ लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, और अगर ये बात सीगल्स को भी समझाई गई होती तो वो आज इतने बड़े चोर नहीं बनते। हाँ, आपने सही सुना, सीगल्स बहुत ही बड़े चोर होते हैं। वो सिर्फ इंसेक्ट्स या फिर खुद अटैक करके नहीं खाते, बल्कि वो चोरी भी करते हैं। वो दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स, यहाँ तक कि इंसानों से भी खाना चुरा लेते हैं। वो सच में बहुत ही बड़े चोर और इंटेलिजेंट बर्ड। नंबर 8, जो सीगल्स होते हैं वो खुद तो हंट करते हैं, यहाँ तक कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो वो किसी को भी चकमा दे सकते हैं, फिर उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन उसका जवाब है ईगल। हाँ, ईगल्स सीगल्स के सबसे बड़े दुश्मन होता है, क्योंकि जब सीगल्स हंट के लिए जाते हैं तब ईगल्स भी उसी समय जाते हैं, और उसी समय क्योंकि
ईगल्स बड़े होते हैं सीगल से, इसीलिए वो सीगल्स को अपना शिकार बना देते हैं। और वो बहुत ही आसान होता है क्योंकि ईगल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उड़ते हुए चाहे तो फाइट कर सकते हैं या फिर हंट भी कर सकते हैं। जो सीगल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ पर हजारों की तादाद में कपल्स हुआ करते हैं। और अगर कभी भी दो टेरिटोरी के लिए फाइट हो जाए दो ग्रुप्स यानी कॉलोनीज की, तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। जो जीतेगा उसे तो वो टेरिटोरी मिल ही जाएगी, लेकिन जो हारेगा उसे भारी पछतावा है। अपने लास्ट फैक्ट है तो इसे थोड़ा अमेजिंग बनाते हैं। मैं अब आपको सीगल्स के नेस्टिंग हैबिट के बारे में बताता हूँ। जो सीगल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे नेस्ट बनाते हैं, और वो इसलिए अच्छे बनाते हैं क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेस और कंफर्टेबल जगह चाहिए होती है। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, और कभी कभी वो एक दूसरे के नेस्ट के लिए भी फाइट करते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होने के कारण उड़ नहीं सकते, और उनके पास पंख भी नहीं होता है, इसी कारण वो उनकी प्रोटेक्शन हरदम करते हैं। ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको हमारी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।